अनंत चतुर्दश की मन भावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अनंत चतुर्दश की मन भावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नमो नमो श्री विष्णु, तुम ही हो जग पालनहार। मात पिता है विष्णु, तुम ही तारणहार। आपकी माया आप ही जाने, महिमा अपरंपार। आपको ध्यान से जुड़े आप से मन के द्वार। इस दिन श्री विष्णु का भक्त होता है पूजन, अनेक रूपों में सत्यनारायण का होता वंदन। कण कण में प्रभु वास है, करते करते हैं कल्याण। खुश होकर अपने भक्तों को देते प्रभु जी ज्ञान। अनंत रूप में नारायण कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। द्वापर युग की बात है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। श्री नारायण जन्मे थे ले रूप कृष्ण भगवान। एक बार युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का बहुत ही सुंदर था निर्माण किया। तभी दुर्योधन यज्ञशाला में एक दिन आता है। समझ सकाना जल थल को जल में गिर जाता है। अंधे का अंधा है बेटा द्रौपदी बतलाई। चुभ गई कर्कशवाणी उसको द्रौपदी इठलाई। अब तो बदला दुर्योधन फिर लेना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दुर्योधन ने एक युक्ति बनाई है। शकुनी मामा से मिल द्यूत क्रीड़ा रचाई है। द्यूत क्रीड़ा में पांडव अपना हार गए धन धान। वस्त्र आभूषण भी हारे हैं, हार गए सम्मान। अंत में द्रौपदी को भी भक्तों हार गए बलवान। बैठ गए शनि सिर पर ना फिर बचा सके सम्मान। फिर तो प्रतिज्ञा के अनुरूप पांडव वन आए। दर दर भटके वनवास पा दुख अति है पाए। एक दिन कृष्ण पांडव से फिर मिलने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कथा है बड़ी महान।
माधव ने फिर कृष्णा को दुख अपना बतलाया। श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत है समझाया। बोले कृष्णा सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे, पत्नी का नाम दीक्षा था, वे धर्म परायण थे। अति सुंदर थी उनकी पुत्री जब वो हुई बड़ी, तभी अचानक उनकी पत्नी की फिर मृत्यु हुई। तभी सुमंत ने कर्कश से फिर दूजा विवाह किया। कौंडिन्य ऋषि से पुत्र सुशीला का है विवाह किया। कर्कश से ऋषि कांकर पत्थर दहेज में पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषि कौंडिन्या ने पत्नी संग किया है फिर प्रस्थान। सायंकाल तक एक नदी तट ऋषिवर गए हैं आन। तभी सुशीला के कुछ नारियों पर दृष्टि पड़ी। सुंदर वस्त्र पहन किसी के पूजन को थी खड़ी। फिर तो सुशीला ने जाकर है मन की बात कही। समझ गई है अनंत व्रत को, बोली ये है सही। तभी सुशीला ने भी उस व्रत का है पाठ किया। 14 गांठ का धागा अपने हाथ में बांध लिया। कौंडिन्य ऋषि धागे का फिर महत्व बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुशीला ने सारा वृत्तांत बताया है, किंतु ऋषि ने तोड़ के धागा तुरंत जलाया है। जिस कारण श्री अनंत प्रभु का हुआ बड़ा अपमान, जिसके चलते नष्ट हुआ ऋषिवर का धन और धान। बहुत ही निर्धन हो गए ऋषिवर, बहुत ही कष्ट हुआ। दुख का कारण जान के पत्नी से फिर धन्य हुआ। धागा ढूंढने ऋषि कौंडिन्य फिर वन में आए। बहुत दुखी फिर हुए ऋषि जब धागा ना पाए। प्रभु अनंत ऋषि के आगे प्रकट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देख अनंत प्रभु को ऋषिवर चरणों में आए। प्रभु अनंत ने दुख के कारण उनको बतलाए। बोले भगवन घर जाकर तुम अनंत व्रत करो, हर जाएंगे दुख सारे, भंडारे खाली भरो। आज्ञा पाकर भगवान से ऋषि घर पर आए हैं। अनंत व्रत को पूरा कर फिर सुख को पाए हैं।
14 वर्ष पर्यंत व्रत कर मुक्ति पाते हैं। ये तो अनोखी पावन विधि कृष्णा जी बताते हैं। सुनकर पांडव अनंत कथा वो धन्य हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को युधिष्ठिर ने है पूर्ण किया। व्रत को करते करते सारे दुखों को दूर किया। महाभारत का युद्ध जीत कर पांडव धन्य हुए। चिरकाल तक किया राज सब गुण संपन्न हुए। जिसने भी इस व्रत को भक्तों तन मन से ध्याया, कट गई सारी विपदा फिर ना संकट है छाया। अधिकारी ने अनंत चतुर्दश कथा सुनाई है, मुनिन्द्र प्रेम जसुमिर शारदा कलम चलाई है। हम दोनों ही अनंत प्रभु को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कष्ट कटे ये सोचे दुखे युधिष्ठिर मन में। हार जुए में कौरव से गए पांचों पांडव वन में। कैसे कष्ट कटे ये सोचे दुखे युधिष्ठिर मन में। इस पूजन की महिमा बताए कृष्णा, इस पूजन की महिमा तब बताए कृष्णा। अनंत चतुर्दशी कर पूरी कामना, अनंत चतुर्दशी कर पूरी कामना। जय श्री विष्णु विष्णु, जय श्री विष्णु विष्णु, जय श्री विष्णु विष्णु। स्नान
चतुर्दशी में अनंत सूत्र बंधवाते विष्णु प्रभु के आशीष से सुख समृद्धि पाते। करके स्नान चतुर्दशी में अनंत सूत्र बंधवाते विष्णु प्रभु के आशीष से सुख समृद्धि पाते। डोरी भक्ति की सदा निज हाथ थामना, डोरी भक्ति की सदा निज हाथ थामना, अनंत चतुर्दशी कर पूरी कामना, अनंत चतुर्दशी कर पूरी कामना। सारे मिलकर कर ले यार, प्रभु दया से बिगड़े अपने बन जाएंगे कार। हो आओ हम भी व्रत को सारे मिलके कर ले यार, प्रभु दया से बिगड़े अपने बन जाएंगे कार। इस व्रत की महिमा को सब आज जानना, इस व्रत की महिमा को सब आज जानना, अनंत चतुर्दशी कर पूरी कामना, अनंत चतुर्दशी कर पूरी कामना, अनंत चतुर्दशी कर पूरी कामना, अनंत चतुर्दशी कर पूरी कामना। अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया। अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया। अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया। अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात मथुरा में श्री श्याम, अयोध्या में श्री राम मथुरा में श्री श्याम, अवध जन में श्री राम मथुरा में श्री श्याम, अवध जन में श्री राम मथुरा में श्री श्याम। सारे रूपों में तू ही समाया, अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया। अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया। ¶¶
सारे नाथों के नाथ बन के बैठे भोलेनाथ, सारे नाथों के नाथ बन के बैठे भोलेनाथ। अपने भक्तों की विपदा मिटाया, अपने भक्तों की विपदा मिटाया, अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया, अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया। ओ मेरे हरि अनंत हरि की कथा अनंत, हरि अनंत हरि की कथा अनंत, प्रभु रूप है अनंत प्रभु की कथा अनंत, प्रभु रूप है अनंत प्रभु की कथा अनंत। लिख के देवेंद्र ने भी यही गाया, अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया, अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया, अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया, अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया, अनंत चतुर्दशी त्योहार आया, प्रभु कृपा की बरसात लाया, अनंत चतुर्दशी त्योहार Thank you.
की। Shine।